मलाज के चारकोप से एक हत्या की खबर सामने आई है। आपसी रंजिश में युवक की हत्या कर दी गई, जिसमें 3 लोगों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। चारकोप पुलिस स्टेशन की हद में 7 मार्च आपसी रंजिश की वजह से 4 लोगों ने मिलकर एक व्यक्ति की हथियार के साथ जमकर पिटाई कर दी, जिससे व्यक्ति गंभीर रूप से घायल हो गया। घायल व्यक्ति की बिक्की हनुमंत राजिया को नजदीकी अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां घायल व्यक्ति का इलाज चल रहा था। चारकोप पुलिस ने मारामारी मामले में हत्या के प्रयास का मामला दर्ज कर 3 लोगों को गिरफ्तार किया, जिसमें एक आरोपी फरार है। यादव नाम के एक व्यक्ति को 7 तारीख को 4 लोगों ने मिलकर चारकोप के हद में मारामारी किया था, जिसमें पुलिस ने ताबड़तोड़ अटेम्प्ट टू मर्डर का केस दाखिल किया था और 3 लोगों को अरेस्ट भी उसी दिन कर लिया था। एक अभी फरार है, उसका शोध ले रहे हैं। आज अनफॉर्चुनेटली वो इलाज के दौरान व्यक्ति का मृत्यु हुआ है, जिसके कारण अभी हमने उसमें 302 सेक्शन ऐड किया है। पुलिस आगे का पूरा इन्वेस्टिगेशन इसके अंदर कर रही है। चारकोप पुलिस को जांच के दौरान पता चला कि आरोपी आकाश प्रकाश यादव, राहुल बाबू मनोहर और राजू चंद्रकांत बागुल के ऊपर मारामारी के कई मामले दर्ज हैं। विक्टिम का भी क्रिमिनल रिकॉर्ड है, वो तड़ीपार भी रहा हुआ है, एंड आरोपी मुख्य आरोपी का भी क्रिमिनल रिकॉर्ड है पुराना पुलिस स्टेशन में। गिरफ्तार सभी आरोपी लक्ष्मी नगर चारकोप गाँव कांदीवली पश्चिम के रहने वाले। यही नहीं, मार खाने वाले विकी हनुमंत राजिया के ऊपर भी घर फोड़ी, चोरी, लूट के 12 मामले दर्ज हैं। कल इलाज के दौरान घायल व्यक्ति विकी हनुमंत राजिया की मृत्यु हो गई, जिसमें चारकोप पुलिस ने हत्या का मामला दर्ज कर लिया है। चारकोप पुलिस फरार आरोपी की अभी भी तलाश कर रही है। मेट्रो मुंबई के लिए ज्योति यादव के साथ संवाददाता धनुषधारी यादव की रिपोर्ट।